नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन उपायों के सही विधि विधान को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव शन शन शनैश्चराय, यानी कि बहुत ही मंदगामी धीरे धीरे गोचर करते हैं। तो गोचर का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट, यानी एक राशि से दूसरी राशि जाने का जो समय होता है। जब भी एक भुक्ति पीरियड होता है, इसको बोलते हैं भुक्ति पीरियड, यानी कि एक राशि में कितनी देर वो रहते हैं और एक राशि के बाद दूसरी राशि। तो ऐसे ही हमारे जो नवग्रह हैं उनका गोचर कालीन अलग अलग समय होता है, अलग अलग प्रभावों से। कुछ मंदगामी यानी कि धीरे धीरे चलने वाले होते हैं, कुछ द्रुतगामी यानी कि बहुत तेज स्पीड से चलने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा लंबा गोचर होता है शनिदेव का, यानी कि ट्रांजिट एक राशि से दूसरी राशि जाने का समय 2.5 साल का। और सबसे कम होता है चंद्रदेव का, चंद्रदेव का सबसे कम गोचर होता है 2.5 दिन से आसपास का जो समय होता है वो चंद्र के गोचर का माना गया है सामान्यता, यानी एक राशि में। तो अगर हम बात करेंगे तो गोचर का सीधा संबंध ग्रहों से। अगर सूर्य देव की बात करें तो एक राशि में 1 महीने रहते हैं, चंद्र एक राशि से दूसरी राशि जाने के लिए 2.5 यानी 2.25 से 2.5 दिन, मंगल करीब करीब 1.5 महीने अवधि में अपनी राशि बदलते हैं, बुध लगभग 14 दिन बाद अंतराल में या इससे आसपास भी बदलते हैं, बृहस्पति देव अपनी एक राशि को बदलते हैं लगभग 12 महीने के आसपास। 23 दिनों में गोचर शुक्र का मान लिया जाता है, 23 दिन में गोचर होता है, लेकिन वक्री और मार्गी में ग्रहों के गोचर घटते बढ़ते हैं। शनिदेव का 2.5 साल एक राशि में निश्चित होता है। तो यानी ये जो समय है, विशेष रूप से अगर हम राहु केतु की बात करें तो 18 महीने यानी 1.5 साल में गोचर करते हैं। गोचर मतलब एक स्थान से एक राशि से दूसरी राशि, और इसी बीच में प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ज्योतिष की नॉलेज के लिए अच्छा ये ज्ञान है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, शैक्षिक है कार्य आपका, बौद्धिक कार्यों में आपको प्राप्ति होगी, मानसिक शांति आपकी आज बनी रहेगी किन्हीं कारणोंवश। अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा जो आपके खर्चों को संभाल लेगा, तो मानसिक शांति और प्रसन्नता के भाव को आज आप सदुपयोग कीजिए। सानिध्य मिलेगा आज आपको माता का, मूंगा रत्न आज के लिए आप धारण कर सकते हैं, त्रिकोण मूंगा हो अच्छा, शुभ रंग नीला, शुभ अंक 5। बात करेंगे वृषभ राशि की, वृषभ राशि वालों नौकरी में कार्य में व्यवसाय में तरक्की के योग बन रहे हैं, शासन सत्ता कैरियर सब बढ़ता हुआ दिख रहा है, परिवार से किसी दूसरे दूर स्थान पर जाने का प्लान बन सकता है, भवन सुख में भी आपके वृद्धि होती हुई देखी जा रही, भौतिक सुखों का आपके विस्तार होता हुआ देखा जा रहा है। क्या करेंगे, मूंग की दाल ये ले लें और दान करें यथासंभव यथाशक्ति, शुभांग 6 शुभ रंग हरा। बात करेंगे कर्क राशि की, मन आपका कुछ अशांत होता हुआ देखा जा रहा है, यानी आज आपको कुछ कंसंट्रेट करने में कंफ्यूजन हो सकती है, आत्मविश्वास अपने ही बारे में विश्वास की कुछ कमी, लेकिन आत्मसंयत रहने से ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, व्यर्थ के झगड़े इत्यादि से आज आपको बचना पड़ेगा, बुजुर्ग से किसी धन की प्राप्ति भी होगी। रुद्राक्ष और धतूरे की जड़ को धारण करना आज आपके लिए अच्छा है, रुद्राक्ष यदि 5 मुखी पहने अच्छा है, जामुनी रंग, शुभ अंक है 9 का। बात करेंगे मिथुन राशि की, मन में कुछ नकारात्मक भाव उनको तुरंत अपने से दूर करिए, मानसिक शांति के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ता है ये आज आपको पता चलेगा, कारोबार में स्थिति का सुधार अन्य कारणों से होता रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय दिख रहा है, कारोबार की वृद्धि भी लगातार होती हुई देखी जा रही है, मंदिर परिसर में केले का या पीपल का
अवश्य वृक्ष लगवाएं। सफेद अंक शुभ है और शुभ अंक है 16 कंपोजिट नंबर 7। सिंह राशि की बात करें तो आत्मविश्वास आपका, आपके अंदर एक विशेष शक्तियों का जागरण होता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि शनि देव का गोचर आपको आने वाले समय लंबे समय तक बौद्धिक मान सम्मान इत्यादि की प्राप्ति कराता हुआ देखा जा रहा है और उसी डायरेक्शन में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। गुरुवार को जरूर व्रत रखें, पीले चंदन का टीका लगाएं, तिलक लगाएं, सातों दिन अच्छा है, जामुनी रंग शुभ है, शुभ अंक है 10 का। बात करें कन्या राशि की, मन किसी आशा के ना पूरे होने की वजह से अशांत रह सकता है, लेकिन संयम रखें, आपको वो सारी वस्तुएं मिलेंगी पॉजिटिव जो आप चाहते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर आपको लगातार मिल सकते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें, क्रोध से बचें। कार्य क्षेत्र में आपके लिए लुभावना परिवर्तन हो सकता है। हनुमान जी को चमेली का तेल, हनुमान जी जरूर आप प्रणाम करें और उनके मंदिर दर्शन करें। काला रंग शुभ है, 14 का अंक अच्छा है। तुला राशि की बात करें, धार्मिक संगीत के प्रति रुझान, लोगों के प्रति मन को प्रसन्न करने का, स्वयं भी और लोगों का भी प्रसन्न करने का आपका एक प्रवृत्ति ये भी हो सकती है। परिवार का आपको साथ भी मिलता हुआ देखा जा रहा है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा का प्रभाव ज़्यादातर आपकी राशि पे भी देखा जा रहा है। पानी में इलायची डालकर स्नान, शुक्र ग्रह होगा मजबूत और इसके साथ साथ दही का सेवन भी करें। सफ़ेद रंग शुभ है, शुभ अंक है 3। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त अगर होंगी या कुछ में डिले हो रहा है तो धैर्यशीलता टूट सकती है। नौकरी में तरक्की के योग हो रहे हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है आपको, या अपने कार्य विशेष के लिए कुछ समय कोई एक यात्रा विशेष करनी पड़ सकती है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है, लेकिन अव्यवस्थित रहन सहन को व्यवस्थित करना ये आपके हाथ में है। त्रिचौली डालें चींटियों को। शुक्रवार के दिन लाल रंग शुभ है, शुभ अंक है 9 का। बात करेंगे धनुराशि की। कुछ जिम्मेदारियां परिवार की, कार्य क्षेत्र इत्यादि पे भी आपकी बढ़ेंगी। क्रोध से आपको बचना होगा, क्योंकि बहुत सारे दायित्व को लेकर आपको स्ट्रेस से भी बचना होगा। जीवन साथी का साथ मिल जाएगा तो आपका स्ट्रेस और तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, परिवार की समस्याएं भी आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। सफ़ेद मूंगा आज आपको पहनना चाहिए, अच्छा रहेगा प्रभाव। सफ़ेद रंग शुभ है और नारंगी रंग भी आज का शुभ है। आप बात करेंगे मकर राशि की। परिवर्तन की कुछ संभावनाएं आपकी दिख रही हैं। नौकरी पर धैर्यशीलता बनाए रखें, क्योंकि आपका धैर्य कुछ मामलों को लेकर जवाब दे सकता है, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा वाणी में मधुरता बनाना, लेकिन फिर भी बनाए रखिए। आशीर्वाद आपको मिलेगा ज़रूर, आत्मविश्वास में भी आपको पूरी पूरी ताकत मिलेगी। इलायची का सेवन करना आपके लिए अच्छा है और गुड़ का सेवन करें। ऑरेंज रंग शुभ है, शुभ अंक है 20। कुंभ राशि वालों की बात करें तो मनोभावों को ही आपको संभालना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सैयत है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान, यानी कि आपको अपने शरीर और मन का ही ध्यान रखना है। बाहरी दुनिया में सब चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, खर्चों की वृद्धि भी आपको कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ेगी या आपको ज़रूर व्यवस्था करनी पड़ेगी। भावनाओं को रखें वश में। बाएँ हाथ में चांदी का छल्ला आपको धारण करना पड़ सकता है और करना भी चाहिए उपाय के तौर पे। शुभ अंक 11, शुभ रंग आपके लिए है ग्रे यानी स्लेटी। मीन राशि वालों, मन परेशान रह सकता है, कुछ आपकी बातें लोगों में बाहर नेगेटिव फैल सकती हैं। शैक्षिक कार्यों या बौद्धिक कार्यों के प्रति जरूर सचेत रहें, कुछ व्यवधान आपके आ सकते हैं जीवन में। किसी मित्र का कारोबार इत्यादि में सहयोग या लोगों का मिल सकता है, आपके कामों में भी सहयोग लेना ना भूलें सहयोग। संतों की जरूर सेवा करें, साधुओं की जरूर सेवा करें, लाभ होगा। गहरा नीला रंग शुभ है, शुभ अंक है 2। तो आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 24 दिसंबर 2022 प्रतिपदा तिथि का मान लगा है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, पौष मास शुक्ल पक्ष और दिन शनिवार। शुभ समय 11:59 से 12:41 तक लगातार सिद्ध है। राहु काल 9:45 से 11:03 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-36524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है राजीव शुक्ला online@gmail.com।
आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।